समझाने की कोशिश करेंगे, आप तक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए कि हम ये सीख लें कि किरचॉफ्स लॉ है क्या, ये जान लें कि किरचॉफ्स लॉ है क्या। मैंने बोर्ड पे स्टेटमेंट पहले से लिख करके रखा है ताकि वीडियो जितना कम समय का बनाया जा सके उतना बना लिया जाए। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और दूसरा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम किरचॉफ्स करंट लॉ भी है, जिसको पॉइंट रूल या जंक्शन रूल भी कहते हैं। स्टेटमेंट इसका बड़ा क्लीन है, बड़ा साफ सुथरा है। एक लाइन का स्टेटमेंट है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो उसके हिसाब से देखो, मैंने यहाँ पर एक जंक्शन लिया हुआ है, ये जंक्शन पी है, और मैथमेटिकली हम लोग लिख रहे हैं सम ऑफ करंट, दैट इज समेशन आई। पी पे अगर आप करंट की बात करें तो एक आपके पास आई वन आ रहा है, एक आई टू भी है, आई थ्री है, आई फोर है और आई फाइव है। जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सम जो है वो, बट यहाँ एक बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि कुछ करंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, जैसे I1 और I2, और कुछ करंट पॉइंट से दूर जा रहे हैं, जैसे I3, I4 और I5। इनकमिंग को अगर आप पॉजिटिव मान लें तो ऑब्वियस है कि आउटगोइंग आप नेगेटिव मानेंगे और I नेगेटिव साइन आएगा। सो फाइनली इस इक्वेशन को आप क्या लिख पाएंगे, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप आए I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, हिसाब से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो टोटल इनकमिंग करंट है और राइट हैंड साइड जो है वो टोटल आउटगोइंग करंट है। किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट का फाइनल आउटकम मिला। ऐसे जब प्रॉब्लम बनाने हैं तो आपको यही बात याद रखनी है और इसी बात पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये किरचॉफ्स का करंट लॉ जो है वो एक लाइन का लॉ यही है कि किसी पॉइंट पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेगा। I2 को लिख सकते हो Q2 by T और इसी तरह से I3 को Q3 by T, Q4 by T और Q5 by T तक एक्सटेंड कर सकते हो। डिनोमिनेटर का T कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमारे पास आएगा Q1 plus Q2 is equal to Q3 plus Q4 plus Q5। ये चार्ज जो है इनिशियल और फाइनल की बात कर रहा है। इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, तो ये तो आपने पहले भी पढ़ के रखा है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अंडर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो उसके हिसाब से ये जो फर्स्ट लॉ है ना, ओके, जिसको केसीएल बोल रहे हो, ये केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखेंगे इस बात को। ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हो गया, ओके। इसके बाद से आपको किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ, इन ए क्लोज मेस इज ऑलवेज जीरो। क्लोज मेस, क्लोज लूप, क्लोज पाथ, क्लोज सर्किट, जो बोलना है बोल दीजिए। देखो, मैंने एक सर्किट यहाँ से एबीसीडी कट किया है और इसको देखो कैसे आपके लिए कट करके मैं ला रहा हूँ, निकालता हूँ और यही पोर्शन हम लोग यूज करेंगे। बात बाकी ये बीच वाला पार्ट का सेगमेंट है जो कहीं भी सर्किट में रहा होगा, ओके। और इसी सेगमेंट का नाम हमने क्या दे दिया, ए बी सी और डी। और इसी एबीसीडी सेगमेंट में कहीं कहीं कंपोनेंट है,
ये जो ट्रेल मैंने खत्म नहीं किया इसलिए कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यू करेगा, ये आगे भी रहेगा, ये आगे कंटिन्यू करेगा। फ्रेंड्स लिखना है क्लोज मेस का। क्लोज मेस कब होगा? एक तो इन क्लोज मेस हमको चलना होगा, कौन सा? ए बी सी डी ए तक क्लोज मेस हमको चलना होगा, ए बी सी डी ए तक। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूरा लिखा जाए तो हम बी ए बी लिखेंगे प्लस बी बी सी लिखेंगे। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी बी सी, सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी सी डी, और डी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी डी ए। थोड़ा एक्सपेंड करके देख लें जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है, ये पता चल जाए। तो अगर आप बी ए बी को लिखना चाहें तो आप लिखेंगे बी ए माइनस बी बी, बी बी सी को लिखना चाहें तो इसको बी बी माइनस बी सी, बी सी डी को लिखना चाहें तो बी सी माइनस बी डी, और बी डी ए को लिखना चाहें तो बी डी माइनस बी ए। आप एक काम करें, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी ए पॉजिटिव बी ए नेगेटिव कैंसिल हो गया, बी पॉजिटिव और नेगेटिव वो भी कैंसिल हो गया, सी पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी कैंसिल हो गया, तो डी नेगेटिव पॉजिटिव भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट क्या आया? तो दैट इज जीरो। इसका मतलब आप जो बताना चाहते, अब इसमें भी आप अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? वी ए डी प्लस वी डी सी प्लस वी सी बी प्लस वी बी ए इज इक्वल टू, आप अगर आगे बढ़ना चाहो तो ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी डी लिखोगे, डी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी डी माइनस वी सी लिखोगे, सी और वी का पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी वी लिखोगे, और फाइनली ये वी वी माइनस वी ए भी होगा। फिर आप देख लो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव पेयर मिल जाएंगे, वी ए नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल, बी डी नेगेटिव है पॉजिटिव है कैंसिल, बी सी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, बी बी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, यानी अल्टीमेटली जीरो। तो इसी बात को किरचॉफ्स ने अपने लॉ में बोला कि ऐसा है कि अगर आप किसी भी क्लोज मेस में चलते हो, क्लोज मेस में पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा वो जीरो होगा। हम ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए तक आए, या ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए तक जो आए, हमने देखा कि हर बार पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो ही आ रहा है। ओके, ये सिंपल एक लॉजिकल लॉ था। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी ए इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज ए से ए वापस आए हो, मेस क्लोज हो गया है। अब आपको जो बात बतानी है वो बतानी यह है कि ए बी अगर आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, कहें एक सेल लगा हुआ है और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसमें करंट पास नहीं हो रहा और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हम नहीं करते, तो हम यहाँ पर उसके ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से बी और सी के बीच में भी आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ईएमएफ ई टू आएगा, वो लिख लिया। लेकिन सी और डी के बीच में जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ओके, तो आर रेजिस्टेंस है, आई करंट है, दोनों का प्रोडक्ट सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और इसीलिए आप यहां पर लिखोगे क्या? आप यहां लिखोगे आई वन आर वन, यानी सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और डी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे दैट इज आई टू आर टू। राइट हैंड साइड तो जीरो होना है। रह गए भाई साइन की, किसका साइन क्या लेना है, ये अभी साइन कन्वेंशन हम नहीं बता रहे। बिना साइन कन्वेंशन बताए हुए एक नॉर्मल लॉजिकल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि सेल जो है वो सप्लायर है और रेजिस्टेंस जो है कंज्यूमर है। अगर हम सप्लायर के साइन को पॉजिटिव देना चाहेंगे तो ऑब्वियस है कि कंज्यूमर के साइन को नेगेटिव देंगे। अच्छा, ये फाइनल साइन कन्वेंशन नहीं है, साइन कन्वेंशन एक नए
तरीके से इसी वीडियो में आगे मैं सिखाने जा रहा हूँ, I1 R1 प्लस I2 R2। अगर और भी रहता तो ऐड कर लेते उसको। इसको आप लिख सकते हो समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। समेशन EMF सप्लाई, तो यहां पर क्या होगा, ये टोटल सप्लाई, यहां पर टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस जो है वो कंज्यूमर है, तो टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन हो गया। ओके, अब आप आगे देख सकते हो एक और चीज, वो चीज क्या है कि अगर आपने जो सप्लाई किया वो कंज्यूम हो गया, ये इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस एक लहजे में वर्क टन पर यूनिट चार्ज भी होता है, तो दोनों तरफ से यूनिट चार्ज को हटा दो तब आपके पास क्या मिलेगा, वर्क टन, और वर्क इज इक्वलेंट टू एनर्जी, उसके हिसाब से टोटल सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल टू टोटल कंज्यूम एनर्जी। यानी ये भी लॉ कोई नया लॉ नहीं है, ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है KVL, ये भी एक पुराने लॉ पर ही बेस्ड है, और पुराना लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके हिसाब से आप देख लो, दो कंजर्वेशन लॉ को किरचॉफ ने अपने तरीके से दो नए लॉ में कन्वर्ट करके और बता दिया, एक आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसको KCL बोलोगे, और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको KVL बोलोगे। ओह, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तब हम लोग आगे की बात करेंगे। अब आगे की बात हम लोग को साइन कन्वेंशन वाली बात करनी है, तो चलो एक बार साइन जो आपको समझा रहा हूँ वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, और ये साइन कन्वेंशन ज्यादा कन्विंसिंग है, ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी साइन कन्वेंशन लेने की बात आएगी तो आपको एक लाइन याद रखना होगा, और ये लाइन है लो टू हाई। अगर कहीं भी जा रहे हैं तो याद रखना ऑलवेज पॉजिटिव, लो टू हाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये लो और हाई क्या है इसकी बात अब समझनी होगी हमको, इसमें दो पार्ट करना होगा। पहला पार्ट जो है वो आपको फॉर साइन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेम, देखो आपको अगर कोई सेल इस तरह से सर्किट में दे दिया गया है, ओके, हो सकता है जो सेल है उसका ईएमएफ ई हो। आप सर्किट में मूवमेंट की बात करें, आपके मूवमेंट, इसलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं माय मूवमेंट, मैं सर्किट में मूव करने की बात कर रहा हूं, माय मूवमेंट। अभी माय मूवमेंट मैंने क्यों लिखा वो देखना आप। इस सर्किट में मैंने बताया था कि आप ए से बी भी जा सकते हो और बी से ए भी जा सकते हो, तो आपका मूवमेंट अगर ए से बी है तो इस तरह से होगा, और आपका मूवमेंट अगर अपोजिट है बी से ए तो आपका मूवमेंट इस तरह से होगा। अपने मूवमेंट पे ध्यान देना है कि सर्किट में आप कैसे मूव कर रहे हो, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि साइन क्या लेना है। अब देखो अगर आपने ऐसा कर लिया तो पहले कंडीशन में सेल का बड़ा लाइन पॉजिटिव होता है, छोटा लाइन नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को लो पोटेंशियल, यानी आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। मैंने यहां लिख के लिखा है कि लो से हाई ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप तो उसके अपोजिट जा रहे हो, आप तो हाई टू लो जा रहे हो, यानी यहां पर साइन जो होगा ई का वो नेगेटिव होगा, माइनस साइन उसके आगे रिप्रेजेंट करना होगा। और अगर आप सेकेंड वाले डायग्राम को अडॉप्ट करते हो, फॉलो करते हो, एक बात देखो, यहां पर छोटा लाइन नेगेटिव, बड़ा लाइन पॉजिटिव,
और अब आप जब मूव कर रहे हो तो मूव करने के समय ध्यान दो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, मीन्स आप हाई से लो जा रहे हो, मीन्स आप हाई से, सॉरी, आप लो से हाई जा रहे हो, और लो से हाई जब जा रहे हो तो यहां पर जो साइन होगा ऑफ ई इज पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है लो से हाई ऑलवेज पॉजिटिव, हाई टू लो आपका ऑलवेज नेगेटिव और लो टू हाई ऑलवेज पॉजिटिव। बट एक बात याद रखेंगे कि फॉर ईएमएफ ऑफ सेल जस्ट लुक एट पोल्स ऑफ सेल, तो आपको फोर साइन ऑफ आई इंटू आर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करना क्या है वो देखना। आप सपोज करो कि एक रजिस्टर आपको यहां पर दिया हुआ है आर, और सर्किट में आप मूव करने की बात सोच रहे हो कि आपका मूवमेंट कुछ इस तरह का है, और नहीं तो आपका मूवमेंट सर्किट में इस तरह का है, दोनों ही मूवमेंट आपको मिलेंगे सर्किट में, इसलिए दोनों ही सीख लेना जरूरी है। सपोज करते हैं कि करंट आई इस तरह से फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, आई करता है, इसीलिए यहाँ पर आप पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव इंडिकेट कर सकते हो, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगा, उसके हिसाब से यहाँ भी प्लस और माइनस। अब आप अपने मूवमेंट पे गौर करो, आपका मूवमेंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हाई से लो है, वहां जैसा लिखा हुआ है लो टू हाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसके हिसाब से साइन ऑफ आई इंटू आर नेगेटिव होगा इस केस में। और सेकंड वाले केस में आपका मूवमेंट लो से हाई की तरफ है, तो अभी अगर आप देखना चाहो साइन ऑफ आई इंटू आर ये आपका पॉजिटिव होगा। सिंपल तरीके में देख लें, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप ईएमएफ देखना चाहते हो तो सिर्फ पोल पे देखना है, तो फोर साइन ऑफ आई इंटू आर जस्ट लुक एट डायरेक्शन ऑफ करंट, सीधी सी बात एक लाइन की बात, डायरेक्शन ऑफ करंट पे गौर फरमाइए, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट आई इंटू आर जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, और अगेंस्ट अगर जा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वैसे केस में आपका आई इंटू आर प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं किरचॉफ्स लॉ के कुछ चुने हुए न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, वो आप एक बार देखें। तो इसी पैटर्न पे, इसी बताए हुए रूल्स पे मैं आपको आगे के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास अवेलेबल रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।